नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन सावित्री के पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान नेताओं का आरोप है कि किसान यूनियन के द्वारा अपनी मांगों व किसानों की समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन उनका अभी तक किसी भी तरह का निस्तारण नहीं किया गया, जिसको लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। किसान यूनियन के पदाधिकारी का कहना है कि गांव में किसानों को कई तरह की समस्याएं, आवारा पशु गांव में समुचित पानी निकासी की व्यवस्था न होना, ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर वृद्धा विधवा पेंशन के लाभार्थियों को लाभ दिलाया जाए आदि अन्य कई मांग को लेकर अधिकारियों को कई ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन उनमें से अभी तक अधिकारी के द्वारा किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। किसान यूनियन की मांग है कि उनकी समस्याओं पर अधिकारी गंभीरता से विचार कर उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करें, जिससे किसानों को राहत मिल सके। मैनपुरी से मनोज कुमार की रिपोर्ट। ज्ञापन इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर आज धरना प्रदर्शन था। लेकिन एडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही 7 दिन में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इससे पूर्व हम ज्ञापन दे चुके हैं। मौजा धर्मंगतपुर में गाटा संख्या 127 में एक नाला है, जिसकी पैमाइश होने के बाद भी दबंग लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मौजा धर्मंगतपुर में 2017 से चकबंदी की फाइल प्रस्तावित हो गई थी और इस पे हमने 30 नवंबर 2023 को डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस फाइल पर धूल जमी पड़ी है। मौजा गौथा में ग्राम उदयपुर में आम रास्ते पर जल भराव है, सभी ग्रामवासियों को बहुत दिक्कत होती है। 3 बार ज्ञापन हमने उप जिलाधिकारी महोदय और BDO साहब को दे दिए, कोई कार्रवाई नहीं है। मौजा गौथा में ग्राम नगरिया में विद्युतीकरण हुआ था, आधा गांव विद्युतीकरण में रह गया, लेकिन सभी के घरों पर मीटर लटका दिए गए और बिल चालू हैं, लट्ठे बिजली गुल और मीटर चालू। ग्राम पड़रिया में पोस्ट ऑर्डन पड़रिया में एक 30 साल पुराना स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जिसका 5 साल पहले पुनर्निर्माण हो चुका है, लेकिन उसमें कोई भी पद डॉक्टर या कोई भी अधिकारी तैनात नहीं है। ऐसा है जिला मैनपुरी का हाल। जी, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार, जिला अध्यक्ष मैनपुरी, भारतीय किसान यूनियन सावित्री सिंह। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।